हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में टेक्निकल टेक पे। तो गाइस ये है टाटा नैनो। तो गाइस ये बहुत दिनों से एक जगह पे पड़ा हुआ था, तो अभी हम लोग ये गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग बना रहिए वीडियो में, वीडियो को आप लोग स्किप मत करना। तो इसका बैटरी तो डाउन हो गया था, तो अभी हम लोग इसमें अच्छा चार्जिंग वाला बैटरी लगा दिया, तो फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, एक जगह पे गाड़ी खड़ा बहुत दिन अगर रहने से तो बैटरी डाउन हो जाता है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम करता है। तो इसमें तो अभी हम लोग बैटरी ये चार्जिंग वाला बैटरी लगा दिया है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑन हो रहा है। तो देख सकते हैं इसका क्लस्टर मीटर पे जितना लाइट आना चाहिए सब कुछ आ रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो एक बार आपको सेल्फ मार के दिखा देते हैं। तो ये है प्रॉब्लम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और ये माल फंक्शन लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है और इसका फ्यूल पंप काम कर रहा है। तो अभी हम लोग इसका चेक करेंगे इस पर प्लग को, अगर इस पर प्लग में अगर करंट नहीं आएगा तब भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम निकल। तो टाटा नैनो का इंजन रहता है पीछे में, तो अभी हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा। तो ये रहा इसका इंजन, तो ये सीट का पीछे में रहता है का जो इंजन का कवर है, वो कवर को हम लोग ऑलरेडी खोल दिया है ताकि वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो ये रहा इसका इग्निशन कॉइल और ये है आपका प्लग का वायर। तो इसमें दो टू इस पर प्लग रहता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अभी हम लोग सेल्फ मार के देखेंगे इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये वायर पे। अगर आ रहा है तो हम लोग प्लग को चेक करेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका वायरिंग को हम लोग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी बहुत दिनों से पड़ा हुआ था तो वायरिंग में कुछ आयरन वायरिंग लग गया होगा। तो अभी चेक करते हैं। तो इस पर प्लग का वायर को कैसे चेक करते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये स्क्रूड्राइवर लिया है और तो इसके अंदर में घुसा देना है और उसके बाद सेल्फ मारना है। तो जब हम लोग सेल्फ मारेंगे, अगर ये सब सही रहेगा, अगर ये कॉयल सही रहेगा, वायर सही रहेगा, तो यहाँ पे करंट आएगा। सेल्फ मारो, मारो, नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं अभी हम लोग सेल्फ मारा है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पार्क नहीं हुआ स्क्रूड्राइवर से, तो हमको लग रहा है इसका कॉइल में करंट नहीं आ रहा है। तो ये वायर को भी एक बार चेक कर लेता है, तो ये कॉइल भी खराब हो सकता है, तो इसलिए अभी हम कॉइल का वायर को चेक करेंगे। तो अभी हमको चाहिए टेस्टिंग लैंप, अभी हम टेस्टिंग लैंप की मदद से तो वायर का करंट को चेक कर लेंगे। सेल्फ मारो, तो ये इग्निशन कॉइल का वायर में भी करंट नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग इसका एक बार फ्यूज वगैरह चेक कर लेते हैं। तो गाइस अभी इसमें करंट आ रहा है, तो ये कॉइल का वायर पे करंट आ रहा है, तो पहले करंट नहीं आ रहा था और इसका प्रॉब्लम हम लोग को कहाँ मिला था, तो गाइस इसका प्रॉब्लम मिला था हम लोग क्रैंक सेंसर पे। तो ये इसका क्रैंक सेंसर ख़राब हो गया था, तो अभी हम लोग अलग क्रैंक सेंसर लगाया है। तो हम लोग सेल्फ मारा है, करंट आ रहा है। तो इसमें तो ये वाला वायर पे रहता है 12 वोल्ट करंट, इसमें आता है आपका क्रैंक सेंसर से, जब हम लोग क्रैंकिंग करते हैं उस टाइम में ये सेंसर बेचता है इसमें और उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट होता है। तो एक बार आपको दिखा देता है इसका क्रैंक सेंसर कैसे है और कहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो ये है क्रैंक सेंसर, तो इसका ही प्रॉब्लम था। तो अभी हम लोग दूसरा क्रैंक सेंसर लगाए हैं और अभी गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। तो ये कहाँ पे लगा हुआ है तो एक बार आपको दिखा देता है। तो देख सकते हैं ये है क्रैंक सेंसर, हम लोग इसको डाला है, देख सकते हैं इसका प्रॉब्लम था। तो जब इंजन घूमता है तो इसी से आउटपुट निकलता है इसका, और तब जाके गाड़ी स्टार्ट होता है। अगर ये ख़राब होगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। प्लग का जो कॉइल है वो कॉइल कुछ काम नहीं करेगा। तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो रहा है इसको चेंज करने के बाद, तो चलिए एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता है। स्टार्ट करने के पहले ये सॉकेट को अभी हमको लगाना पड़ेगा, तो ये सॉकेट को लगा दिया है और अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। अभी गाड़ी हो चुका है स्टार्ट, तो उसका ही प्रॉब्लम था क्रैंक सेंसर का। जो चेक इंजन का जो लाइट है वो भी पहले ब्लिंक कर रहा था, तो अभी देख सकते हैं ये ब्लिंक नहीं कर रहा है स्टार्ट होने के बाद, ये ऑफ हो जा रहा है। पहले ब्लिंक करता था, तो अभी वो भी सही हो गया। तो उसका जो प्रॉब्लम था वो हम लोग को वायरिंग में मिला था, सेंसर से कुछ मतलब नहीं चलते। तो अभी सब कुछ सही है, तो आज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग का काम था गाड़ी को स्टार्ट करना, तो गाड़ी में भी और भी बहुत सारा काम है। गाड़ी को पूरा सर्विसिंग करना है, गाड़ी को वॉशिंग करना है
और इसका जहाँ था पूरा डेंट हो चुका है, तो गाड़ी को डेंटिंग भी करना है। जगह देख सकते हैं पूरा ख़राब हो गया, तो ये सबको अभी हम ठीक करने वाला है। तो वीडियो को करते हैं यही पे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।